हित की बात करती है तो वही दूसरी तरफ सिंगरौली जिले के किसानों की फसलें आवारा पशुओं के द्वारा चर लिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। दरअसल सिंगरौली जिले के किसानों की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान के द्वारा महंगी खाद और बीज खरीद कर फसल लगाए हुए हैं, जो पशुओं द्वारा नुकसान भी हो रहा है। वह किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि किसानों को सस्ते दामों में खाद बीज दिया जाएगा व किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, पर किसानों की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा नुकसान किए जाने पर किसानों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, जिसको लेकर किसान कई बार जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी किसानों की दुख पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि सरकार किसानों के प्रति कई योजनाएं भी संचालित की हैं, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग ही बयां कर रही है। वहीं आवारा पशुओं के लिए सरकार द्वारा कई गौशाला भी खोले गए हैं, इसके बावजूद भी किसानों को आवारा पशुओं से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये पूरा खेती नष्ट कर रहे हैं। इसके लिए कहीं शिकायत भी किए? शिकायत तो हजूर मतलब डुगडुगिया पिटवाए इसमें नहीं, लेकिन क्यों नहीं बांधे छेकंट का। तो कहाँ तक छोड़ेंगे इन लोग? इसको हम मतलब काचन टका देंगे बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लियाकत अली है। कहाँ से ला रहे हैं? हिरवा से। कैसे करी बताइए अपना जो कहीं अभी चल रही है वो हर।